नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। मैनपुरी में एक ट्रक ने सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव की गाड़ी को टक्कर मार दी, लेकिन बाल बाल सपा जिलाध्यक्ष बच गए। ट्रक ने करीब 200 मीटर की दूरी तक सड़क पर गाड़ी को घसीटता रहा और उनको नया जीवन मिला, ऐसा कहना कहीं गलत नहीं होगा। कहते हैं कि जाकुर आके साइयां मार सके न कोई, वाली कहावत आज मैनपुरी में चरितार्थ हो गई है। गाड़ी में अकेले मौजूद थे सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव। गाड़ी से करहल रोड स्थित अपने आवास पर जा रहे थे। जिलाध्यक्ष ने क्या कहा और पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय से घर जा रहा था। बदावर हाउस के पास पीछे से ट्रक आ रहा था, आगे हम चल रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। उस हल्की सी टक्कर हमारी लगी, उसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसके बाद उसने फिर तेज़ी से टक्कर दोबारा फिर तेज़ी से आगे टक्कर मारी और उसमें गाड़ी हमारी घूम गई और उस आगे खींचते हुए गाड़ी ले गया। और उसके बाद मैंने दो बार गाड़ी बैक की, फिर टक्कर मारे, फिर बैक की, फिर दोबारा फिर टक्कर मारी और खींचते हुए लगभग 700 मीटर तक गाड़ी आगे हमारी खींचती हुई गई, और जिसमें किसी न किसी की साजिश है, जिसमें हमारी हत्या कराने का पूरा प्रयास किया गया। मैनपुरी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव जी आज अपनी ब्रेजा गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तो मैनपुरी में करहल चौराहे के निकट भदावर हाउस के पास उनकी ब्रेजा गाड़ी हरियाणा नंबर के एक ट्रक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्काल चालक को हिरासत में लिया गया। चालक विनय यादव चौबिया इटावा का रहने वाला है। संपूर्ण पहलुओं की गहनता से छानबीन की जा रही है। अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है। तहरीर प्राप्त होते ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।